जय श्री कृष्णा। अधिकतम लोग कहते हैं कि हम घर छोड़कर चले जाएंगे, संत बन जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे, वैरागी हो जाएंगे। क्या वे लोग जानते हैं कि सही मायने में महात्मा होना, वैरागी होना, संत बनना क्या है? साधु जो अपने जीवन को साध कर चले। देखिए, हर चीज जोड़े में ही आती है। दिन है तो रात आएगी, गोरा है तो काला भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, सफलता है उसी के साथ असफलता भी है। जो व्यक्ति इन सभी परिस्थितियों में समानता रखे, हर परिस्थिति में ना उसको सुख का एहसास हो और ना ही उसको दुख का एहसास हो, वही सही मायने में महात्मा है, वही सही मायने में साधु है, संत है, वैरागी है। क्या वन में जाने से ही वैरागी बनेंगे? अगर ऐसा होता तो वन के जीव जंतु सर्वप्रथम वैरागी होते और ईश्वर को पा लेते, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हम गृहस्थी में रहते हुए भी साधु, संत, महात्मा बन सकते हैं। केवल और केवल एक कार्य करना है कि हमें हर परिस्थिति में समान भाव रखना है। किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक सुखी नहीं होना और किसी भी परिस्थिति में अत्यधिक दुखी नहीं होना। हर चीज को बराबरता, समानता से लेकर चलना है। आप देखिएगा कि आपको जीवन जीने का आनंद आएगा और साथ ही साथ प्रभु में प्रीति होगी, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त होगा। चीजों से, व्यक्तियों से, रिश्ते नातेदारों से मोह ना करके प्रेम कीजिए, मोह त्याग दीजिए। मोक्ष क्या है? मोह का क्षय ही मोक्ष है। तो जिस दिन हम हर परिस्थिति में समान भाव से रहेंगे, उसी दिन हम वैरागी हो जाएंगे, साधु हो जाएंगे, संत हो जाएंगे, महात्मा बन जाएंगे। उसके लिए आपको गृहस्थी त्याग कर वन वन भटकने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप गृहस्थी त्याग कर वनों में भटक रहे हैं परंतु आपका ध्यान आपके घर में ही है, तो उस भटकने का क्या लाभ? विचार अवश्य कीजिए। जय श्री कृष्ण।